हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज ये हमारा मॉर्निंग का व्लॉग है, मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ मैं आपसे। तो आज मैं लेट से उठी थी, तो घर का जो बेसिक काम हो चुका था, तो आज सुबह सुबह हमने चाय बनाए। और जो रात की रोटी बची हुई थी, हमने उसको तेल लगा के सेका, जिसको पराठा बोलते हैं। तो रात की रोटी से हमने पराठा बनाया और उसके साथ चाय पिया। और तो इससे हम ये होता है कि जो हमारा खाना है वो हमारी वेस्ट नहीं जाती है, रात की रोटी का भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी ऐसे बची हुई रोटी को चाय के साथ या सब्जी के साथ पराठा बना के खा सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। आजकल आपको पता ही है कितनी महंगाई है, तो इसमें खाना फेंकना बहुत बुरी बात है। तो इसलिए जितना खाना खाओ उतना ही बनाना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर बच जाए तो उसे इस्तेमाल भी कर लेना चाहिए। तो हम तो अपने घरों में इस्तेमाल कर लेते हैं, या चावल बच जाती है तो उसे फ्राई कर लेते हैं, और रोटी बच जाती है तो उसको सेक के चाय के साथ हम खा लेते हैं। आप लोग क्या करते हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज हम दोपहर में लंच में खाएंगे नमकीन चावल, जिसको वेज बिरयानी कहते हैं। तो आज हम वेज बिरयानी बना रहे हैं। तो बताइएगा कि आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी। और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो आइए हम अब किचन में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा चाय बन रहा है। और इधर हमने रात की जो रोटी बची थी उसको सेक रही हूँ मैं। तो ये देखिए, इसको अच्छे से घुमा घुमा के सेकना पड़ता है, और बहुत अच्छी लगती है खाने में, बहुत टेस्टी लगती है। तो हमारी रोटी देखिए सेक गई है, सारी रोटियाँ। और इधर हमारा चाय भी तैयार हो गया है। तो इसको आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में आराम से खा सकते हो। तो ये देखिए सुबह सुबह का आज ब्रेकफास्ट हमारा यही रहेगा। देखिए हमारा चाय और पराठे तैयार हो गए हैं। और इधर हम जो वेज बिरयानी बना रहे हैं, सोयाबीन बिरयानी, तो उसके लिए हमने सामान चेक कर लिया है। देखिए उसके लिए हमने अदरक ले लिया है, साबुत गरम मसाला ले लिया है, 5 से 7 हरी मिर्च ले लिया है, और 100 ग्राम हमने सोयाबीन ले लिया है, 1 बड़ा प्याज ले लिया है, और 2 बड़े टमाटर ले लिए हैं, और थोड़ा सा 1 चम्मच जीरा ले लिया है। तो ये सामान सब हमने पहले से तैयार कर रखा था, और हमने जिस चावल से ये बिरयानी बनाएंगे उसको थोड़ी देर पहले, उस चावल को हम 10 मिनट तक भिगो के रखते हैं। भिगे हुए चावल के बिरयानी बहुत अच्छी बनती है, इसीलिए हम भिगा के रखते हैं 10 मिनट तक। तो आइए अब हम बिरयानी की शुरुआत करें बनाने की। दूर जाना नहीं तुमको कसम, खुद से ज़्यादा तुम्हें
करते हैं सनम, दूर जाना नहीं मुझसे सनम, खुद से ज्यादा तू है चाहते हमारी बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए अब हम लंच करते हैं, तो आइए आप लोग भी लंच कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स और अगला वीडियो हमारा होगा जो जिन जिन लोगों ने हमें अपने वीडियो में प्रमोट किया है, मैं भी उनके लिए एक प्रमोट वाली वीडियो बनाऊंगी और फुल सपोर्ट करूंगी। आप लोग भी हमारा फुल सपोर्ट करना, मैं भी करूंगी। ऐसे ही हम एक दूसरे की सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।